सारे स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि यह वीडियो देखने के पहले आप लोग ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 पहले देख लें, तभी ये चैप्टर आपको क्लियर होगा और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेलकम स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर परिचय, जो समष्टि अर्थशास्त्र में आता है, उसका अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और समष्टि अर्थशास्त्र का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद हुआ। कीन्स के पहले यह धारणा थी कि काम करने के इच्छुक श्रमिक को काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। विचारों के इस संप्रदाय को क्लासिकी परंपरा के रूप में जाना जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद यह विचारधारा बदल गई। तो आइए अब जानते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 1883 में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और बाद में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए थे। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस 1919 में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। उनकी पुस्तक जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 बीसवीं सदी की अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। किन्स विदेशी मुद्रा के समझदार सट्टेबाज भी थे। 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में कमी आई, जिसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। इस दौर में बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बंद पड़े थे। श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई थी। इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई थी। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से सोचने को प्रेरित किया और इस तरह समष्टि अर्थशास्त्र का उदय हुआ। अब हम जानते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का विश्लेषण होता है, यानी कि प्राइस थ्योरी का विश्लेषण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और रोजगार का अध्ययन होता है। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम और रोजगार मतलब अध्ययन। तो यहाँ पे पूरे देश का आय और पूरे देश की रोजगार का अध्ययन होता है। दूसरा जो अंतर है वह यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन, आय वितरण परिवर्तनशील होता है, ठीक है, यानी कि ये बदल सकता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन और आय वितरण स्थिर होता है। तीसरा अंतर, छोटी मूल इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म इत्यादि, जबकि
पूरे देश के व्यक्तियों, पूरे देश के फर्म, पूरे देश के औद्योगिक इकाइयों को समष्टि अर्थशास्त्र का विषय माना जाता है। चौथा अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र समग्र का एक अंश होता है, यानी कि पूरे का एक अंश होता है। अगर हम हाथी का उदाहरण लें तो हाथी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि उसका सूंड हो गया, उसकी आंखें हो गई, तो ये अलग अलग अंश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें समग्र का एक अंश का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन होता है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पूरे हाथी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हाथी हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। पांचवा जो अंतर है वह यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। कीमत सिद्धांत मतलब प्राइस थ्योरी का विश्लेषण किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और रोजगार का अध्ययन होता है। छठा अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर कीमत का निर्धारण करना है तो अन्य चीज़ें उन्हें प्रभावित नहीं करेगा, जैसे कि मौसम हो गया, मांग हो गया, ये चीज़ें कीमत को प्रभावित नहीं करेगा। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समान संतुलन के आधार पर कुल मूल्य और उत्पादन को विभिन्न बाजार के परस्पर निर्भरता पर बल दिया जाता है। सातवां जो अंतर है वह यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं, ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरे समाज की कल्याण की बात करते हैं। तो आशा है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस चैप्टर से कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।